शाहजहांपुर में रचनात्मक संस्था संकल्प द्वारा अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं जयंती फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बिस्मिल उद्यान खिरनी बाग में मनाई गई। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा व नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने अमर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही अमर शहीद अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह व राजेंद्र लोहड़ी के चित्रों पर पुष्पांजलि कर भावपूर्ण नमन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अमर शहीद का स्मरण करते हुए कहा कि कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से आत्मरक्षा व दूसरे की रक्षा करना ही अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कवि डॉक्टर इंदु अजनबी के संचालन में हुए इस संक्षिप्त कार्यक्रम का समापन डॉक्टर अवधेश मणि त्रिपाठी ने शांति पाठ के साथ किया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष आशा पाल, डॉक्टर अवनीश मिश्र, ज्योति गुप्ता, जी सी मिश्र, हिमांशु पारासरी, डॉक्टर मृदुल कुमार, करुणेश अवस्थी, मनमोहन त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, उनको आज के दिन ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो इसलिए देश की आज़ादी के लिए नहीं लग रहे थे कि यहाँ पर कोई बाहर का आक्रांता आकर बैठ गया था। वो इसलिए देश की आज़ादी के लिए लग रहे थे कि अगर ये आक्रांता बाहर जाएगा तो एक नए समाज का निर्माण करना होगा, एक नए देश का निर्माण करना होगा। तो लड़ाई का वो पक्ष अभी भी जारी है और वो सतत जारी रहेगा। लड़ाई का एक पक्ष खत्म हुआ है जहाँ हमने बाहर की आक्रांता को बाहर कर दिया है, लेकिन लड़ाई का दूसरा पक्ष जिसमें समाज निर्माण है, देश निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है, चरित्र निर्माण है, व्यक्ति निर्माण है, वो बाकी है और वो निरंतर चलता रहेगा। तो उस दिशा में हमें अपना योगदान देते रहना चाहिए।